नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी लाल। 150 गांव 150 खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर झालावाड़ जिले की, जहां डग में वीरा स्थान की खबर का असर हुआ। यहां पर डग कुंडला में मध्य प्रदेश बॉर्डर तक सड़क का काम शुरू हो चुका है। 150 गांव 150 खबर में हमने सड़क की बदहाली की खबर दिखाई थी। अब 128 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर लंबी सड़क का काम शुरू हो गया है। झालावाड़ जिले के ग्राम पंचायत ओडिया खेड़ी में इस वर्ष संतरे की फसल के बुरे हाल हैं। ऐसे में संतरा किसान खासी चिंता में है। इस बार संतरे में काली मस्सी का नाम का रोग लगा है, इससे संतरे शुरुआत में ही काले पड़ने लगे हैं। किसानों को प्रशासन से भी मुआवजे की कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ संतरे की फसल पर निर्भर किसान काफी परेशान है। झालावाड़ जिले के गंगधार में जलदाय विभाग की आंखों के सामने पानी का दुरुपयोग हो रहा है और विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। यहां जलदाय विभाग का फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, इसमें से लोग पानी का इस्तेमाल नहाने और कपड़े धोने में कर रहे हैं। इलाके में पीने के पानी की समस्या काफी गंभीर, पानी के दुरुपयोग से यह समस्या और गहराती जा रही है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा ग्राम पंचायत में धार्मिक स्थान पर सांप निकलने से अफरातफरी मच गई। सांप मंदिर के पास एक नाले से निकला था, जिसे लोगों ने मार दिया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा ग्राम पंचायत में रामलीला का आयोजन चल रहा है। रामलीला में मनोहर थाना और अखिलेरा प्रधान के पहुंचने पर दोनों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। झालावाड़ जिले के डक में कई वार्डों में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं। गंदगी से क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बना है, प्रशासन की लापरवाही से लोगों में गुस्सा है। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत कोलवी में मुख्य बाजार में अतिक्रमण बड़ी समस्या बना हुआ है। यहां झंडा चौक से कोलवी रोड पर फल सब्जी के ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। ग्राम पंचायत ने इनके लिए जगह भी निर्धारित कर दी है, लेकिन ये लोग सड़क पर ही अपने ठेले लगाए रखते हैं। ठेलों की वजह से सड़क संकरी होने से जाम लगा रहता है, इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। झालावाड़ जिले के बकानी में पुलिस की सुस्ती से वाहन चोरों के हौसले बुलंद। हाल ये है कि गांधी कॉम्प्लेक्स से एक सप्ताह पहले चोरी हुई पिकअप और बुलेटों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। बाड़मेर के धूरीमंडा में बछड़ाऊ गांव में एक युवक की टांके में गिरने से मौत हो गई। टांके में पानी भरने के दौरान पैर फिसलने से अचानक वो अंदर गिर गया। बाड़मेर जिले के गुडामलानी के केड़मड़ी गांव में एक अधेड़ ने आत्महत्या करने की कोशिश की, इस दौरान वो बुरी तरह से झुलस गया। ढींडी गांव के हरमंत सिंह का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। बुरी तरह से झुलसी हालत में गुडामलानी से सांचौर रेफर किया गया। बाड़मेर जिले के नाकोड़ा गांव की सरहद पर खेत में बिजली के टूटे तार से करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। सूचना के बाद डिस्कॉम के अधिकारियों समेत पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। दिनधरी से भूखा भगत सिंह को जोड़ने वाली 33 kV बिजली लाइन के टूटे तार की चपेट में 12 साल का लक्ष्मण सिंह आ गया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बारा जिले के कस्बा थाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फैला कचरा और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आगरा रोड और शहर में गंदगी के ढेर लगे होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। गंदगी होने से लोगों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। लोगों ने कई बार पंचायत प्रशासन से गंदगी हटाने की मांग की, लेकिन पंचायत प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बयाना जिले के सिसवाली में ईद पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। SDPI के कार्यकर्ताओं ने शिविर में भाग लिया और 35 यूनिट रक्त का संकलन किया। बयाना जिले में पिपलोद गांव में क्रिसमस डे पर दूध घी से मेला आयोजित किया गया। मेले में लोगों में भारी उत्साह नजर आया। बयाना जिले के नाहरगढ़ में दिनों महोदरी तालाब से सिंचाई के लिए नहर खोली गई, लेकिन जबरन लोग नहर से पानी की चोरी कर रहे हैं।
हेरपुर पंप से ट्रक कर लाठी के जोर पर दबंग खेतों में पानी दे रहे हैं, इससे जरूरतमंद किसानों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। अवैध सिंचाई को रोकने के लिए तहसील प्रशासन ने 4 लोगों को पाबंद भी किया, लेकिन अवैध सिंचाई रोकने का नाम नहीं ले रही। धौलपुर जिले के सैपोई पंचायत समिति के खपरेला गांव में पटाखा पत्ते से 8 साल के बच्चे का हाथ बुरी तरह से झुलस गया। 8 साल के छोटू को कहीं से एक पटाखा मिल गया, छोटू ने पटाखे को घर के चूल्हे में डाल दिया और पटाखा फटने से बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने बच्चे को लहूलुहान स्थिति में धौलपुर की निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल तसीमों में वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल की प्रतियोगिता में ग्रामीण बच्चे भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 26 दिसंबर तक चलेगी। धौलपुर के राजाखेड़ा पंचायत समिति में नए वाटर वर्क्स के पास लक्ष्मीनारायण मंदिर परिसर में चल रहे विष्णु महायज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत कथा का विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत में पालिका प्रशासन के विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण हटाया गया। केला गेट से बाईपास, महाराजबाग समेत सैकड़ों रोड तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन कार्रवाई के थोड़ी देर बाद ही हालात वैसे ही बन गए। लोगों ने अतिक्रमण के हटाने के दस्ते के जाते ही दुकानदारों ने फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण फिर जमा दिया। इसको देखते हुए अभियान औपचारिक साबित होकर रह गया। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति के रेलवे स्टेशन के पीछे देसी शराब की दुकान से घूमट रोड वाली गली अज्ञात वाहनों का जमावड़ा रहने से लोग परेशान हैं। देसी शराब की दुकान से स्थानीय दुकानदारों, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को परेशानी होती है, वाहन चालक लड़ाई करने को भी तैयार रहते हैं। झुंझुनू जिले के महराड़ा में खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया, बीजेपी के जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कबड्डी के उद्घाटन मैच में महराणा बी टीम ने जीत हासिल की, विजेता टीम को 11,000 रुपए दिए गए। क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता को 21,000 और उपविजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। झुंझुनू जिले के सिंघाना सीएचपी के जर्जर भवन के जीर्णोद्वार के लिए भामा शाह का सहयोग लिया जाएगा, बुहाना एसडीएम की अध्यक्षता में एमआरएस की बैठक में फैसला लिया गया। एसडीएम ने बताया अस्पताल भवन काफी पुराना होने से जर्जर हो चुका है, सुविधाएं बढ़ाने और जीर्णोद्वार के लिए भामा शाहों का सहयोग लिया जाएगा। इस दौरान सीएचसी प्रभारी को कस्बे के भामाशाहों की लिस्ट बनाने और अस्पताल में होने वाले खर्च का ब्यौरा बनाने का निर्देश दिया गया। झुंझुनू जिले के ढूंढलोद गांव में निजी स्कूल के खेल परिसर में चल रही 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। स्कूल की प्रतियोगिता ग्रीन हाउस के नाम से रही, विजेता टीम और छात्रों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। झुंझुनू के बनवास से 4 दिनों से लापता 25 साल की पूजा सैनी जयपुर के कांवटी अस्पताल में मृत मिली, जहर खाने के बाद पूजा अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान मौत हो गई। पीहर नारनौल के लिए निकली महिला को एक अज्ञात व्यक्ति ने बेटी के साथ गाड़ी में बिठा दिया, बेटी को ठंड में सहावा छोड़कर मृतका को लेकर फरार हो गया। झुंझुनू जिले के बुहाना इलाके के ब्रिजपुरा गांव में एससी आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल का अभिनंदन किया गया, विशिष्ट अतिथि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रहे। आयोग अध्यक्ष ने गांव के विकास के लिए 2 लाख रुपए विधायक कोटे से देने की घोषणा की, अभिनंदन के रुपयों की थैली भी गांव के विकास के लिए लौटा दी गई। डूंगरपुर जिले के चीखली गांव में विद्या निकेतन स्कूल में संस्कार शिविर आयोजित किया गया, कुआ थाना पुलिस ने वत्सल वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया। वत्सल वार्ता में बच्चों को बाल अधिकार कानूनों की जानकारी दी गई, साथ ही बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों को खुलकर पुलिस के सामने रखने की बात कही गई। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत समिति के सीथल गांव में जनसुनवाई में विकास अधिकारी और थानाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। सीथल और झलाब के आसपास के लोगों ने समस्याएं रखी, जनसुनवाई में थानाधिकारी ने ग्रामीणों से मौताड़ा प्रथा बंद करने की अपील की। जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान किया, सरपंच की मौजूदगी में विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भी किए गए। डूंगरपुर जिले के झलाप गांव में गौरव पथ योजना में 46 लाख रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क में अभी से दरारें पड़ने लगी है। ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत समिति के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और सीसी सड़क की जांच की।
विकास अधिकारी ने मामले की जांच कराने और जिम्मेदार सरकारी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड के बालाई गांव के नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि लोग पानी के लिए केनाल की दीवार तोड़ देते हैं, जिसके चलते टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। गांव वालों ने ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार से केनाल की दीवार तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के कुआं गांव में पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित की गई कार्यक्रम में सरपंच मुख्य अतिथि रही। शिविर प्रभारी ने पशुपालकों को जानकारियां दी और विजेता पशुपालकों को विभाग की ओर से पुरस्कार में नकद राशि बांटी गई। भीलवाड़ा जिले में मुख्य सचिव कालूलाल गुर्जर ने मंगरोप, दांतल, बोली, आंबीगढ़ पंचायतों का दौरा किया। गुर्जर ने मंगरूप में 18 लाख की लागत और दांतल में बना विधान भवन और कमरों का लोकार्पण किया। झूपड़िया, काबरा और मंडपिया में सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। गुर्जर ने मंगरूप में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गुर्जर के साथ जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, मंडल अध्यक्ष समेत प्रशासनिक कर्मचारी भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला में नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण हुआ। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने लोकार्पण किया। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। कलश यात्रा राम मंदिर से शुरू होकर धर्मशाला तक निकाली गई। यहां रोजाना 12 से 4 बजे तक मुरारी बापू रामकथा का वाचन करेंगे। भीलवाड़ा के प्रतापपुरा ढिकोला पंचायतों में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दौरा किया। मेघवाल ने गरीबों को 150 कंबल भी वितरित किए। मेघवाल ने लाठियों का खेड़ा स्कूल में नए भवन और ढिकोला में उप तहसील भवन का लोकार्पण किया। साथ ही रामकोड़ी से लेकर रायपुर तक सड़क बनाने की घोषणा की। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में चंबल प्रोजेक्ट लाइन का सर्वे शुरू हुआ। जहाजपुर और आसपास के गांवों में सर्वे का काम जारी है। सर्वे का काम कंसल्टेंट कंपनी कर रही है। सर्वे में पाई जाने वाली खामियों की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। जयपुर जिले के चौमू में पुलिस और यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। जयपुर जिले के बैनाड़ा ग्राम पंचायत में श्रीजी धाम मंदिर में पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में लाखों पदयात्रियों ने श्रीजी के दर्शन किए। श्रीजी महाराज की जयकारों से बैनाड़ा धाम गूंजा। दर्शन के लिए श्रीजी के मंदिर के बाहर यात्रियों को संभालने में पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जयपुर जिले के ग्राम नांगल तुलसीदास के निंबी गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में आसपास के 5 गांवों के 320 मरीजों ने स्वास्थ्य की जांच कराई। जयपुर जिले के चाकसू में शील की डूंगरी पर कार्यालय परिसर में सिकाइडिकॉन सहयोगी संगठन किसान सेवा समिति ने ऑक्सफेम के सहयोग से खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। खाद्य महोत्सव में किसान प्रतिनिधियों से परंपरागत खेती को बढ़ावा देने, स्वदेशी बीज खाद का प्रयोग कर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करने का आह्वान किया। जयपुर के चाकसू में एक निजी कॉलेज की छात्र शीतला में श्रीराम वृद्धाश्रम गए और वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ एक दिन बिताया। छात्र एनएसएस शिविर के तहत वृद्धाश्रम पहुंचे। छात्रों ने वृद्धाश्रम परिसर में कमरों की सफाई और धुलाई की। नागौर जिले के जसदा में निःशुल्क नेत्र जांच और मेडिकल शिविर का आयोजन किया। पहले से एडमिट मरीजों के लेंस प्रत्यारोपण किए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित शिविर में जोधपुर से आई चिकित्सा टीम ने नेत्र रोगियों की जांच की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज शामिल हुए। नागौर जिले के करणपुर करनू गांव में एक बुजुर्ग महिला ने गांव की गायों के लिए 11 बीघा जमीन को दान कर दिया। गोचर जमीन के लिए आए दिन हो रहे झगड़ों के बीच सूना देवी ने अपने हिस्से की 11 बीघा जमीन गायों के लिए दान कर दी। सूना देवी के इस अच्छे काम को लेकर क्षेत्र भर में चर्चा हो रही है और इस काम को अच्छी पहल बताया जा रहा है। नागौर जिले के इंदावड़ में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।
श्रीगंगानगर जिले की पंचायत 2KM में घर जाना प्रधान रानी दुग्गल ने ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीसी रोड अटल सेवा केंद्र में फौज निर्माण का शिलान्यास किया। ग्राम सेवा सोसाइटी में फौज समेत कई कार्यों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास हुआ। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव रेड बग्गी में फर्जी बाबा के चक्कर में किसान ने करीब 24 लाख रुपए गंवा दिए। फर्जी बाबाओं ने एक किसान को उसके खेत में सोना दबा होने और सोने को बाहर निकालने के नाम पर एक साथ से लाखों रुपए ठग लिए। इस मामले को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और लोगों से ठगी किए गए रुपयों में से 1,05,000 रुपए बरामद किए। श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत 4KSM में डिग्गी में बछड़ा गिर गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से बछड़े को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के सादर शहर की ग्राम पंचायत अलीपुरा के सरकारी स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। सर्दी से बचाव के लिए जन सहयोग से एकत्रित किए गए स्वेटर बच्चों को बांटे गए। इस मौके पर सरपंच समेत गांव के लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत प्रतापुरा के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहद बुरा है। स्वास्थ्य केंद्र में नर्स है लेकिन थोड़ी सी गंभीर हालत में मरीज को सादर शहर जाना पड़ता है। ऐसे में सही समय पर नहीं पहुंचने के कारण कई बार मरीजों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। गांव में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को लेकर गांव वालों ने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर लगाने की मांग की है। करौली जिले के मासलपुर में रमसा ने छात्रावास में बालिकाओं के लिए 5 दिवसीय जीवन कौशल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। छात्रावास की बालिकाओं को जेंडर समस्याओं के साथ किशोर अवस्था में आने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया गया। साथ ही लड़कियों को होने वाली परेशानियों को लेकर जानकारी दी गई। बालिकाओं को भविष्य में कुछ बनने को लेकर जानकारियां दी गई। करौली जिले के ग्राम पंचायत डिकोली कला के राजकीय माध्यमिक स्कूल में राजीव गांधी खेल योजना में 3 दिवसीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बीईओ ने खेल को खेल की भावना से खेलने के साथ खिलाड़ियों को हार से निराश नहीं होकर खेल में सुधार करने पर जोर दिया। प्रतियोगिता में 7 स्कूलों की 14 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो और कई खेल शामिल हैं। खबर करौली जिले से, जहां मासलपुर में चिकित्सा विभाग ने सामुदायिक चिकित्सालय में नसबंदी शिविर का आयोजन किया। नसबंदी शिविर 31 महिलाओं का ऑपरेशन के लिए पंजीयन किया गया। साथ ही महिलाओं की जांच कर ऑपरेशन किया गया। करौली जिले के पंचायत नारौली डांग के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन और डायरेक्टर ने उद्घाटन किया। विजेता टीम को 11,000 रुपए दिए गए। करौली जिले सपोटरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर फल वितरित किए। जालौर जिले के रानीवाड़ा में नवोदय स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। जालौर जिले के डोडा गांव में पंचायत भवन पुराना होने के साथ ही जर्जर हालात में है। जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा पुराना भवन कभी भी गिर सकता है लेकिन जीर्णोद्वार को लेकर कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। पुराने और जर्जर हालात में पड़े पंचायत भवन को लेकर सरपंच और ग्राम सेवक भी ध्यान नहीं दे रहे। जालौर जिले के एलाना गांव के सरपंच पर फर्जी प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप है। उदयपुर जिले के झाड़ोल में पूर्व विधायक कुबेर सिंह की स्मृति में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मांदड़ी स्टेडियम में किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमर सिंह झाला ने उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच सरादत टीम का उपली सिगरी टीम से हुआ। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में ईद के मौके पर जुलूस निकाला गया। स्थानीय युवा के हाथों में देश का तिरंगा झंडा आकर्षण का केंद्र बना रहा। जुलूस खेरवाड़ा की चारों दरगाह में चादर पेश करते हुए वापस मस्जिद के चौक में लौटा। उदयपुर जिले के झाड़ोल में जीप में आग लग गई। जीप बस स्टैंड पर खड़ी थी। बूंदी जिले के देई ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल वितरित किए। बूंदी जिले के देई ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां सैनिटरी नैपकिन के आधा दर्जन कार्टन अस्पताल परिसर के पीछे पड़े मिले जिसकी अस्पताल प्रशासन को कोई जानकारी तक नहीं थी।
मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन को बताया गया तो वापस नैपकिन को अस्पताल में लाया गया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत जीतपुर में पंचायत भवन में बने बाथरूम और शौचालयों पर ताला लगा हुआ है। शौचालय में ताला लगा होने के कारण यहां आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। पंचायत में बने शौचालय ग्राम पंचायत के सरपंच और स्टाफ भी नहीं खोल पाते। बूंदी जिले के नेगढ़ ग्राम पंचायत में आयुर्वेदिक अस्पताल आए दिन बंद रहता है जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल बंद होने से काफी समस्या होती है। चिकित्सा विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं है। अस्पताल बंद होने से ग्रामीणों को कहीं और से दवाइयां लेनी पड़ती है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे खिमवाड़ा पानोता मार्ग पर पेच वर्क कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से सरपंच ने काम रुकवा दिया। ग्रामीणों ने सरपंच से शिकायत की थी। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर पेच वर्क देखा। सरपंच ने पेच वर्क काम से में गुणवत्ता नहीं होने से पहले भी विरोध जताया था लेकिन मौके पर देखकर काम को बंद करवा दिया गया। प्रतापगढ़ के लांबा डाबरा गांव में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की मौत का कारण अभी तक हत्या ही माना जा रहा है। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। प्रतापगढ़ जिले के चूपना गांव में एक सरकारी स्कूल ने पढ़ाई से लेकर सफाई और सभी कामों में मिसाल कायम की है। ये सरकारी स्कूल आदर्श स्कूल के रूप में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ सफाई ऐसी है कि मानो किसी प्राइवेट स्कूल में भी देखने को नहीं मिलती। ये स्कूल सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक मिसाल है। प्रतापगढ़ जिले के जेलोदिया केलूखेड़ा गांव में सड़क बदहाल है। सड़क नहीं होने से गंदगी भी चारों ओर फैली रहती है जिससे लोगों को बीमारियों का डर बना रहता है। कई साल से सड़क नहीं बनने को लेकर लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतापगढ़ जिले के पाडलिया में एक बाइक बेकाबू होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में ईद के मौके पर मुस्लिम समाज ने जुलूस निकाला। जुलूस देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नागौर जिले के खींवसर के पास बेकाबू होकर लैंड क्रूजर कार पलट गई जिसमें कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का इलाज करवाया। टोंक जिले की बरेठा ग्राम पंचायत की पुलिस थाने में पिछले कई दिनों से नफरे की कमी है जिसके चलते थाना क्षेत्र में बीट व्यवस्था ठप पड़ी है। यहां लगातार चोरियों की बढ़ती वारदातों से आमजन में खासा आक्रोश पनप रहा है। जालोर के नोहर गांव में पिछले दो महीनों से पीने के पानी को लेकर परेशानी हो रही है। दो महीने से पानी की समस्या बनी हुई है लेकिन जलदाय विभाग की ओर से किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। गांव वालों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी लेकिन मोटर खराब होने का हवाला देते हुए पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।